हमारे साथ गृह मंत्री साहू जी और पंचायत मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी, प्रवासी लखमा तो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं भाई राजेश जी, और हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, सब लोग सारे अधिकारी भी आए हैं, एसीएस फॉरेस्ट और एसीएस होम और इंटेलिजेंस के डीजी, सभी लोग उपस्थित हैं। क्योंकि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब आए हैं आपस में चर्चा करें, भाषण देना उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम लोग बैठ के समस्या का निदान किस प्रकार से हो, आप लोगों किस प्रकार से कठिनाई होती है, बहुत ही बिहड़ और दुरुस्त तो है ही, बिहड़ भी है और बहुत ही ये खतरनाक इलाका भी है, और ऐसी जगह में आप सब यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों को तो यही देखकर तब विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आप सबसे ही चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों की व्यवस्था किस प्रकार से है, खाने पीने की, रहने की, पानी की, दवाई की सुविधाएं है कि नहीं है, चर्चा करने में मदद नहीं की है ना? हमारी व्यवस्थाएं ठीक है साहब, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण, इधर इधर आके बोलिए माइक पे, इधर आके बोलिए माइक पे, ये वाला माइक इधर आ जाएगा, अगर हमारी व्यवस्थाएं ठीक है, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा है और सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है और बहुत सारी कठिनाइयों से यहाँ की ग्रामीण जनता गुजर रही है। और यहाँ पालामड़ू में एक बार हमारे सीओ साहब के अध्यक्षता में सोलर लाइट वगैरह लगाया गया था, तो हम लोग गए थे, उसमें सहभागी हुए थे, लगाए। दूसरा अभी सर जी, आप सभी से जो भी इसका उत्तर देना चाहें इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर ग्रामीण, जिस प्रकार से अभी जवान ने कहा कि यहाँ विकास की आवश्यकता है, बिजली की, पानी की, सड़क की, तो इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? पैसे की कमी है ही नहीं, लेकिन निर्माण कार्य होगा कैसे?